बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है। बीजेपी में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जब से लिस्ट जारी हुई उसके बाद से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। टिकट को लेकर नाराजगी जताने अब समर्थक पहुंच रहे हैं। राजेंद्र राठौर नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग सीटों से टिकट नहीं मिलने वालों के समर्थक भी कार्यालय पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर जयपुर से, टिकट को लेकर नाराजगी। बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, कांग्रेस की तो हुई नहीं है अभी, बीजेपी की लिस्ट जारी हुई और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू। नाराज कार्यकर्ता, नाराज जो उम्मीदवार थे, जो चाह रहे थे कि टिकट मिलेगा, अब संभावित उम्मीदवार, अब वो नाराजगी जता रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि भैया हम पार्टी से खफा हैं, हमारी मांगें पूरी करो, पहली लिस्ट में नहीं तो दूसरी लिस्ट में सही, लेकिन नाम आए। अब समर्थक उनके पहुंच रहे हैं टिकट को लेकर नाराजगी जताने के लिए। कह रहे हैं हमारे नेताजी को तो भूल गए आप, उनका नाम तो शामिल करते साहब। राजेंद्र राठौर नाराज कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं। अलग अलग सीटों से टिकट नहीं मिलने वालों के समर्थक बीजेपी पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन। बड़ी खबर जयपुर से। तो टिकट को लेकर नाराज कार्यकर्ता और नाराजगी जताने पहुंच गए कार्यालय, बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। अब राजेंद्र राठौर को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इन कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, क्योंकि अब ना तो उगले ही बनेगा और ना ही निगले बनेगा। अब इन लोगों को, इन पर कार्रवाई हो नहीं सकती है, मनाना ही आखिरी तरीका रह जाता है पार्टी के पास। ये समर्थक पहुंचे हैं सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यालय अपने नेताजी के लिए टिकट की मांग को लेकर। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कह रहे हैं समर्थक, कितनी संख्या में ये पहुंचे हैं और राजेंद्र राठौर मुलाकात कर रहे हैं, मान मनोवल कर रहे हैं? बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब क्योंकि लगातार बांसूर हो या बावनवास हो, इसके अलावा कई अन्य क्षेत्र है वहां से भी समर्थक पहुंचे हैं। अपने अपने जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो मांग कर रहे हैं इसके लिए कि टिकट उनको दिया जाए, क्योंकि लगातार यहाँ बीजेपी परिसर में पैर रखने की जगह नहीं है। लगातार जो समर्थक है वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं जबरदस्त, और उनको समझाने के लिए पहले नारायण पंचारिया यहाँ पर आए, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया और जो सह संयोजक है वो राजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ समझाने आए, समझा के उनको बाहर कर लेता है। उससे पहले ही वापस समर्थकों का यहाँ पर नारेबाजी हो गई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उनको कार्यालय से बाहर निकल के आना पड़ा। अच्छा, कुछ एक नाम आप बता सकते हैं क्या विष्णु, किस नेताजी के समर्थक पहुंचे हैं यहाँ पर? कुछ एक नाम अगर आप बता सके, कोई बड़ा नाम हो। विष्णु, बांसूर से महेंद्र यादव है, उनके समर्थक पहुंचे हुए। इसके अलावा बामनवास से करीब जो अलग अलग प्रत्याशी हैं उनके समर्थक, पांच प्रत्याशियों के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये पहुंचे हुए लगातार ये विरोध और नारेबाजी कर रहे हैं, आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, क्योंकि इनका आक्रोश है, ये लगातार आक्रोश यहाँ पर जता रहे हैं। ये जो राजेंद्र राठौड़ है वो लगातार उन्हें समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, आप सीधे सीधे तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर आक्रोशित जो लोग हैं समर्थक, उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से ये मामला शांत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ज्यादा आक्रोशित है कि बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने उनसे कहा है, अच्छा विष्णु, ये भी दबाव बनाने का एक तरीका है, अब ऐसा तो नहीं है ना, देखिए आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और नेताजी भी समझते हैं कि समर्थक खुद से तो पहुंचने गए होंगे, ये भी एक पार्टी पर दबाव बनाने का तरीका है नेताजी की तरफ से। यहाँ लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, हालांकि जो पार्टी के नेता है वो उन्हें समझाइश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टिकट किसी व्यक्ति को मिलता है, सब लोगों को पार्टी के जो
अनुशासन है उसको ध्यान में रखते हुए, जो रीति नीति है उसको ध्यान में रखते हुए लगेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो इससे आक्रोशित है कि 5 साल उन्होंने यहाँ पर मैदान में यहाँ पर मेहनत की और उसके बाद टिकट किसी को। विष्णु मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आक्रोशित कार्यकर्ता हैं या फिर आक्रोशित इन्हें किया गया है? सुमित बता दो कि आक्रोशित कार्यकर्ता क्योंकि नेता के पक्ष में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी संभावना हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आक्रोश है वो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आक्रोशित समाधान क्या है विष्णु? समर्थन में अब क्या चाहते हैं ये लोग, क्या चाहते हैं? जिस सीट से किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है उसका नाम वापस लिया जाए, फिर इनके नेताजी का नाम घोषित किया जाए, ये चाहते हैं लोग, या फिर सीट बदल दी जाए इनके नेताजी की? बिल्कुल इनकी मांग, बिल्कुल इनकी मांग कुछ इसी प्रकार की है कि वो यहाँ पर टिकट का बदलाव किया जाए, जो टिकट घोषित किया गया पार्टी की ओर से उसमें बदलाव करके उनके नेताजी को दिया जाए। हालांकि बामनवास में 5 जो प्रत्याशी हैं उनको दावेदार हैं, उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी को टिकट दिया गया राजेंद्र मीणा उनका नाम काट के 5 में से किसी को दे दिया जाए, यानी जो दावेदार थे उन्होंने भी यूनिटी बना ली है, वो चाहते हैं कि किसी एक को मिला जाए। ये है मतलब नेताजी अपने आला कमान के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहुंचे थे कुल मिलाकर इतना ना प्रदर्शन किया था, लगातार यहाँ पर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। जी नेताजी अपने समर्थकों के द्वारा हाईकमान के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, इतना ही है ना विष्णु? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सवाल हाईकमान के फैसले पर भी है क्योंकि टिकटों का जो घोषणा की गई है वो हाईकमान की ओर से ही की गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल है। लेकिन जो बीजेपी के नेता है वो बार बार कहते आए हैं कि ये जो समर्थ आक्रोश है वो कुछ दिन का है, हालांकि जो जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि कई राजस्थान में कई नेताओं ने चेतावनी तक दे दी कि वो बागावत करके चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिर दर्द की बात है। अब बीजेपी अगर एक टिकट को बदलती है तो कई फिर तो ये भी पूछा जाएगा ना इनसे, नेताजी से जो विरोध है, आप पार्टी के वफादार नहीं हुए तो जनता के वफादार कैसे हो जाएंगे साहब? पूछा जाएगा ना ये सवाल? पूछे जरा इनके समर्थकों से जो पीछे खड़े हैं आपके, अब बात कीजिए अगर हो सके तो। बिल्कुल, मैं उनके समर्थक हूं उनसे पूछता हूं, यहां बानसूर से आए, आप कहां से आए, क्या मांग आपकी? गोता शाहपुर से, महेंद्र बानसूर से आया हूं मैं। जो महेंद्र जी यादव हैं उन्होंने 5 साल तक कंटिन्यू जनता के बीच में रहकर लोगों का सुख दुख में काम किया है। पर पार्टी ने तो किसी और को टिकट दे दिया, ऐसे में आपका विरोध क्यों है? पार्टी ने टिकट पैराशूट उम्मीदवारों को दिया तो हम उसका समर्थन कैसे करेंगे? बागी था पिछली बार, उन्होंने भाजपा को हराने का काम किया था, तो अब हम भाजपा कार्यकर्ताओं को हताश होने का काम करने का काम पार्टी ने किया है, तो हम उस पर अलग आप लोग जो आज प्रदर्शन करने आए, आलाकमान का फैसला है तो उसका विरोध करने आए? बिल्कुल जी, हम उसका विरोध करने आए, हम पुरजोर विरोध करते हैं कि जिस क्या रहेगा आपका स्टैंड अगले, क्या करेंगे अगर मान लो ये नहीं सुनवाई करते तो? देखिए पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा विरोध इसलिए दर्ज करवाना है कि एक बागी को टिकट दिया बानसूर से, वो आला कमान का फैसला नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आला कमान तक हमारी बात पहुंचे, लेकिन ये पहुंचने नहीं देना चाहते। जो ये टिकट का फैसला हुआ है ये आला कमान का फैसला नहीं है, हमारा मन कहता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मन कहता है अगर आला कमान सही फैसला करता तो महेंद्र यादव को टिकट मिलता और महेंद्र यादव की बार बानसूर से विधानसभा सीट निकाल के दिखाता और भारी बहुमत से निकाल के दिखाता, और अब इन्होंने जो फैसला किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट खोने का काम किया इन्होंने। बिल्कुल, कार्यकर्ता जो समर्थक है वो तो यही कह रहे हैं कि जो फैसला हुआ है नेताजी इनके साथ हैं क्या इस विरोध प्रदर्शन में? पूछे जरा उनके बारे में, कह रहे हैं कि उनकी ओर से फैसला होता है नेताजी ने इनको आगे खड़ा कर दिया है बस। ऐसे ही बहुत से प्रत्याशी बामनवास से और कई और जगह सीटों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, आप सीधी तस्वीरों को देखें कि यहाँ पूरे गेमा गेमी बनी हुई है इस पूरे इस मामले में, आप देख सकते हैं समझाइश की कोशिश की गई है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो नेताजी की आवाज है, इनके दिल की आवाज है, कि राजेंद्र जी आप लोगों ने समझाइश की है, क्या लगता है कि मान रहे हैं क्या कहते हैं? ऐसे परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये अपनी कोई बात कहना चाहते हैं और वो बात है उनकी सुन रहे हैं। अभी जो मानसूर से लोग आए थे उनकी हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं श्री नारायण जी पचारिया साहब, उनसे बैठक हुई है, वहाँ उन्होंने अपने जो भी समस्याएँ वो रखी है, उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है और उस ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन है उसको ले लिया है और उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे
मामणवास से कुछ लोग आए थे, उनकी भी मीटिंग है, अर्जुन मेघवाल जी साहब और भजनलाल जी शर्मा साहब हैं, उनसे करवा रहे हैं, उनकी भी मीटिंग चल रही है, वो भी अपनी कोई बात है। अब ये परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, विष्णु उनसे कही है, परिवार के सदस्य कह रहे हैं करने का प्रयास, मांगे पूरी नहीं हुई तो परिवार छोड़ देंगे। आपको लगता है कि ये विरोध शांत हो पाएगा? लगातार विरोध है, ये तो हमारे फैमिली मेंबर हैं तो अब घर में भी थोड़ी बहुत हो जाती है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। अरे घर छोड़ने की बात कर रहे हो, इस तरीके को ये जो भी आए अपना एक मन में एक भावना प्रकट होती है उसको प्रकट करने के लिए आए और शांति, दूसरा घर बसाने की बात कर रहे हैं। विष्णु पूछे इनसे, उसकी उनकी बात को भी सुना जा रहा है और अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से सुना जा रहा है। जो नारेबाजी चल रही है, ये आक्रोश दिखा रहा है, ये शांतिपूर्ण बात मानते हैं आपको? नारेबाजी तो, नारेबाजी तो क्या होता है, अपने उम्मीदवार के पक्ष में सभी करते हैं और अपना बात कहने का एक भावनात्मक तरीका होता है और उस तरीके के तहत वो थोड़ा सा नाराबाजी तो एक होता है ना लोगों के अंदर, मन की बात कहने के लिए एक तरीका होता है। इसमें ऐसा कोई विशेष मैं नहीं समझता कोई विरोध की बात है, ये अपनी बात कहने आए हैं। दरअसल में तो पार्टी कार्यालय प्रदेश कार्यालय यहाँ अपनी बात कहने आए हैं, इनकी बात सुन रहे हैं। ये राजेंद्र सिंह शेखावत थे जो चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक हैं। और विष्णु आपने सवाल तो नहीं पूछा मेरा, लेकिन आप जवाब दे दीजिए। जो कार्यकर्ता अपनी बात कहने आए उनके बारे में राजेंद्र जी कह रहे हैं ऐसा विशेष नहीं है कुछ, आपको लगता है क्या? आप तो जमीनी स्तर पर वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, चीजों को नजदीक से देखते हैं, आपको लगता है इस विरोध प्रदर्शन का कुछ विशेष कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लगता है आपको ऐसा विष्णु? आपने जो कहा उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। हाँ, लगातार ठीक, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ये तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहां पर आए हैं, टिकटों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।